असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि है वाम टॉन मेकअप लुक जिसमें हम ब्राउन और न्यूज से मेकअप करेंगे सबसे पहले तो स्किन को आपने सबसे अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है मैं यूजली इस पार्ट को वीडियो से स्किप कर देती हूँ कि बोरिंग और लंबी ना लगे लेकिन मुझे कमेंट्स आते हैं आप दिखाया करें तो खैर सबसे पहले तो मैंने लगाया हल्का सा एक ड्रॉप लेकर फेशियल ऑयल मैंने लिया कोकोनट ऑयल आप कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हैं क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ड्राई तो मैं एक ड्रॉप लेके मैंने फेस पे लगाया उसके बाद मैंने एक ये एक और मॉइस्चराइजिंग सीरम था मुझे जो मैंने फार्मेसी से लिया था मुझे रिकमेंड किया था मैंने वो लगा लिया फेस पे जितनी अच्छी स्किन प्रेप होगी उतनी अच्छी आपकी फ़ाइनल लुक आएगी यहाँ पे मैं सनब्लॉक लगा रही हूँ जो कि है एटी एस पी एफ फेस और नेक पे अच्छे से क्योंकि शदीद गर्मियाँ और अच्छे से सनब्लॉक लगाना इज़ अ मस्ट उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर और ये हमारा लास्ट पार्ट है स्किन प्रेप, प्रेपिंग का ये सब करने के बाद अपनी स्किन को हम फाइव मिनट्स के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम बेस मेकअप पर जाएंगे तो यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है काशीज़ की फाउंडेशन इसको मैं हाफ से भी हाफ पम्प ले रही हूँ बिकॉज इन समर्स मुझे बहुत हैवी फाउंडेशन नहीं चाहिए इसको थोड़ा थोड़ा मैंने फेस पे लगा लिया और एक क्रीम की तरह इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी वैसे तो ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है और ये ना इतने स्मूथली ब्लेंड भी नहीं होगी लेकिन मैंने अच्छे से स्किन प्रप किया था तो वो एक बिल्कुल क्रीम की तरह क्लाइड हो रही है स्किन के ऊपर कवरेज इसकी बहुत अच्छी है हुदा ब्यूटी का आप ट्यूब कह सकते हैं इसको इसको अच्छे से फुल फेस पर लगा लेने हल्का सा नेक पर भी लगा लिया था मैंने उसके बाद में काशिश का ही कंसीलर मैंने लिया जो कि बिल्कुल सेम सेम शेड था तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा इसकी भी अच्छी कवरेज है इसको भी मैं फिंगर के साथ जो है वो ब्लेंड कर लूँगी फिंगर से ब्लेंडिंग फेस पर इतनी अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि स्किन प्रेपिंग अच्छी हुई होती है और मुझे पर्सनली लगता है कि फिंगर से ब्लेंड करने से जो कवरेज है वो ज़्यादा अच्छी आती है और अंडर आई पार्ट इतना वो होता है सेंसिटिव होता है कि आई प्रेफर यूजिंग माय फिंगर्स या फिर ब्यूटी ब्लेंडर तो अब मैंने एक थोड़ा सा इसको ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए अपनी अंडर आई को मैंने एक टार का कंसीलर लिया लाइट मीडियम शेड में और उसको भी मैं फिंगर से ब्लैंड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ दूंगी फुल ब्लेंड अभी मैंने इसको नहीं किया ताकि वो थोड़ी उसकी कवरेज जो है वो ज़्यादा हो जाए तब तक मैं अपने आईब्रोज बनाऊंगी आईब्रोज के लिए मैंने एक हेयर वैक्स लिया है और मैं जो जूँ वो आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ मैं बिल्कुल इस पर कोई भी शेड कुछ भी मैंने नहीं लगाया बिल्कुल मैंने अपने नेचुरल आईब्रोज़ को जो है वो लिफ्ट अप करने के लिए एक आईब्रो वैक्स से जो है वो शेप दे रही हूँ उसके बाद आईब्रोज मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए अब रिमेनिंग जो थोड़ी बहुत रह गई थी ब्लेंडिंग वो भी मैंने कहा मैं कर लेती हूँ फिंगर्स के साथ ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है मूव करें अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब और कोई भी अगर रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कमेंट में कर सकते हैं यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे नोज़ पे पता नहीं आई लव यूजिंग क्रीम एंड टेंट्स एज अ ब्लश क्रीम ब्लशेज़ और टेंट्स इंस्टेंट ऑफ पाउडर ब्लशेज़ तो एनी वेज़ यहाँ पर मैंने अपने लगा लिया है चीक्स पे भी हल्का सा नोज़ पे चिन पे और इसको मैं जो हूँ बहुत स्मूथली ब्लेंड कर लूँगी इस मेकअप लुक में पिंक का हमने कम ही हिंट रखना है बस ब्लश एक है जो पिंक लगा रही हूँ उसके अलावा कुछ भी पिंक नहीं होगा और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया नोज़ पे चीक्स पे अब जो है वो पाउडर प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स आपने सारे एक दफ़ा लगा लेने हैं उसके बाद आपने कोई भी पाउडर प्रोडक्ट लगाना है अब मैंने अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और मैं अच्छे से अंडर आई भी सेट कर रही हूँ और इसके अलावा मैं अपना फुल फ़ेस भी सेट करूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं स्वेटिंग का इशू हो जाता है तो बेहतर यही है कि अपने फुल फ़ेस के जो बेस है उसको लॉक कर लें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और इसको अच्छे से स्पॉन्ज के साथ जो है वो मैं अपने फुल फ़ेस पे लगाने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो मैं क्ले रही हूँ और इन सा ब्लश उसको मैं वार्म देने के लिए ना अपने फेस पे लुक वार्म लुक देने के लिए अपने चीक्स पे लगा रही हूँ और ये देख सकते हैं आप कि मुझे इस तरह की लुक बहुत अच्छी लगती है स्पेशली अगर मैं मेकअप भी ब्राउन टोन्स में कर रही हूँ तो मैंने पिंक ब्लश यहाँ पे नहीं यूज़ किया यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउन और ऑरेंज और, और ब्लैक शेड्स वाली पैलेट लिया मॉर्फी की इधर से मैंने एक लाइट ब्राउन आई लिया उसको दोनों आईलेट्स पर मैंने लगा लिया ये बहुत लाइट ब्राउन्स आए ठीक है इसके ज़्यादा फैंसी है, आई लुक नहीं रखनी है सिम्पल ही रखनी है तो पहले तो मैंने सिंपली लाइट ब्राउन सा आई शेडो है दोनों आईलेट पर लगा के एक चॉकलेट ब्राउन आई शेडो लिया और मैंने यहाँ पे जो है इससे आउटर विंग बना दी है आप ब्लैक आई लाइनर भी ले सकते हैं ब्लैक आई शेडो भी ले सकते हैं मगर मुझे ब्राउन रखना ज़्यादा अच्छा लगता है उससे एक लुक ज़्यादा अच्छी आती है उसके अलावा मैंने दो उसी पैलेट में से शिमरी शेड लिए ठीक है और उन दोनों को मिक्स करके मैं हल्का हल्का लुक दूंगी अपनी आईलेट पे बहुत हैवी नहीं रखना क्योंकि हम इसको नेचुरल ही रख रहे हैं मेकअप लुक को तो बस हल्का सा हिंट देना है हमने इस शेड का ताकि आई लुक ओवरऑल एंड पे बहुत अच्छी लगे मैंने अपना हाफ़ मेकअप तो फिंगर की यूज़ से ही कर लिया ब्रशेज़ की इतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है अब मैं यूज़ करने लगी हूँ आई लैश कर्लर आई लैश कर्लर से आपकी आइज ओपन हो जाती हैं और मस्कारा लगने के बाद दे लुक रियली गुड सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इट मेक्स अ डिफरेंस अब मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मस्कारा आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन दी अपर लैशेज़ लोअर लैशज़ पर मैं नहीं लगा रही हूँ मस्कारा बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक कि इस तरह ज़्यादा अच्छी लुक आती है अगर आपको पसंद है लोअर लैशज़ पर तो आप लगा सकते हैं मस्कारा लगाने के बाद अब मैं आती हूँ हाइलाइटिंग की तरफ मैं अब हाइलाइटर हाइलाइटर का इसमें कोई कुछ नहीं है अगर तो आपको ज़्यादा पसंद है अब ज़्यादा लगा लें आपको नॉर्मल मैं यहाँ पर नॉर्मल लगा रही थी बहुत ज़्यादा है बहुत कम भी नहीं लगाया क्योंकि मैंने इस लुक को इतना हैवी रखना नहीं था सो इट्स लाइक अ सॉफ्ट क्लैम बॉम टोन मेकअप अब हाइलाइटर को ऑलमोस्ट मैंने फुल फेस पर ही लगा लिया और बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि लिपस्टिक लिपस्टिक के लिए भी ऑब्वियसली विल गो टू ब्राउन न्यूट लिपस्टिक का कलर यहाँ पे मैंने एक लिप लाइनर ले लिया है उससे मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है लिप को लाइन करने के बाद आपकी लिपस्टिक लगी बहुत अच्छी लगती है तो अगर आप लोग लाइन नहीं करते हैं तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए लिप लाइन कर लिया बहुत हैवी लिप लाइन नहीं की है बस अपनी लिप को को ही अच्छी शेप दे ली है अब यहाँ पे लिप कलर भी मैं बहुत हैवी नहीं रख रही हूँ मैंने एक ब्राउन न्यूट कलर लिया उसको हल्का सा लेके अपने फुल लिप्स पे लगा लिया और एंड पे हम दे, दे देंगे ग्लोसी लुक जिसके लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लोस यूज कर रही हूँ और जो है इसको मैं लिप्स पे लगा लूँगी और हमारा मेकअप जो है यहाँ पे हो जाएगा कम्प्लीट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो आई मेक श्योर कि मैं आप सब लोगों का रिस्पॉन्स दूँ सो so, यहाँ पे जी मेरी फाइनल लुक आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे न्यू आइडिया ज़रूर दें कमेंट में कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़